हाय, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का प्लॉट साइज है 60 फीट बाय 90 फीट का फ्लोर प्लान, साथ में इसका रहेगा एलिवेशन डिज़ाइन भी। सो वीडियो को अंत तक देखेगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड हैं या अपना मकान बनाने वाले हैं तो हमारा चैनल जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। सो आइए चलेंगे प्लान की तरफ। 4 बेडरूम हाउस है विद सर्वेंट रूम, 600 गज के अंदर हमने आपको 4.5 BHK हाउस प्लान निकाल कर दिया है विद इसका एलिवेशन। चलेंगे प्लान की तरफ। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे हमारे ग्राउंड फ्लोर प्लान से। सबसे पहले देखेंगे हमारी एरिया डिटेल्स। सो जो प्लॉट एरिया है वो है 5400 स्क्वायर फीट का, 600 गज का पूरा ये है मकान का जो हमारा जो पीस ऑफ लैंड है 60 फीट बाय 90 फीट का है। कवर्ड एरिया देखेंगे 2745 स्क्वायर फीट रहेगा। परसेंटेज में अगर आप देखें तो लगभग आपका 50.8% जो है प्लॉट एरिया का हमने जो है बिल्डिंग में कवर किया है। सो यहाँ से आपकी मेन एंट्रेंस रहेगी, ये मेन गेट आपको दिख रहा है, यहाँ से आप चलेंगे ये आपको आपका फ्लोरिंग पैटर्न दिख रहा है। सो ये पार्किंग एरिया है दोस्तों, 21 फीट 9 इंच बाय 40 फीट का आपके पास एक बड़ा पार्किंग स्पेस रहेगा जहाँ पर आप आराम से अपनी 3 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। इधर से देखेंगे आपको अप साइन दिख रहा है, सो यहाँ से आप अप चलेंगे 7 फीट वाइड ये पाथवे है आपका, ये वरेंडा रहेगा आपके पास 14 फीट 9 इंच बाय 11 फीट 3 इंच का वरेंडा है, सेटिंग के लिए यूज़ करेंगे आप इसको। नीचे देखेंगे तो आपका लैंडस्केप एरिया रहेगा दोस्तों, 36 फीट 9 इंच बाय 18.5 फीट का एक बड़ा लैंडस्केप एरिया है, इसको आप लैंडस्केप करवाएं, कैनोपी वगैरह बनवाकर इधर आप अपना सिटिंग एरिया प्लान कर सकते हैं। सो ये ड्राइंग रूम है, यहाँ से आपकी रहेगी घर की गेस्ट एंट्री। सो इधर से आपको एंट्री मिलेगी, 17.5 बाय 18 फीट का एक बड़ा ड्राइंग रूम मिलेगा दोस्तों आपको। इस तरीके से आप सोफा सेटिंग करेंगे, सोफा सेटिंग आपकी सेंट्रली लोकेटेड रहेगी, इसके अलोंग आप अपना जो है वॉक पे रख सकते हैं, पेडेस्ट्रियन वॉक पे जो रहेगा पाथवे रहेगा, जो घूमने के लिए बेसिकली जगह है, सर्विंग की जगह है, आप चारों तरफ से कर सकते हैं। ये देखेंगे इधर आपको एक विंडो मिलेगी, विंडो के सामने यहाँ पर आपको ग्रीन एरिया दिया गया है, इधर आप चाहें तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप ग्रीन एरिया या फिर एक वाटर बॉडी भी प्लान कर सकते हैं। सेकेंड एंट्रेंस देखेंगे, यहाँ से आप किचन के लिए रहेगी, 14 फीट 9 इंच बाय 14 फीट 3 इंच की किचन है, बीच में एक आइलैंड मिलेगा आपको, ये गैस स्टोव रहेगा, इधर आपका सिंक रहेगा, एंड ये सारा स्पेस आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के लिए रहेगा, रेफ्रिजरेटर के लिए आप इधर अपना प्लेस कर सकते हैं। देखेंगे आपके घर की सेकेंडरी एंट्री यानी जो आपकी आपकी जो है फैमिली एंट्री रहेगी, इधर से देखेंगे आप अब चलेंगे, ये आपका पोर्च है 18 फीट बाय 10 फीट का पोर्च है, यहाँ पर आपको सेंट्रली एक पेड़ लगाना होगा, सेंट्रली कोर्टयार्ड कटआउट टाइप्स का आपकी यहाँ पर फीलिंग रहेगी। इधर से आप देखेंगे आपके घर की मेन एंट्रेंस रहेगी, ये मेन एंट्री है, ये आपके पास विंडो रहेगी, इधर सोफा सेटिंग रहेगी, सामने आप इधर 2 सोफा सेटिंग कर सकते हैं। लॉबी है बेसिकली आपकी, ये 26 फीट बाय 14 फीट 3 इंच की लॉबी रहेगी, बीच में वुडन जाली रहेगी, इधर आप क्रोकरी यूनिट रखेंगे एंड इधर आप 6 सीटर एंड 7 सीटर डाइनिंग अपने अकोमोडेट कर सकते हैं। सो अगर आपका कोई गेस्ट रहता है सो वो यहाँ से आप इधर भी उसको सर्व कर सकते हैं, चाहे तो इधर से आप इधर भी उनको लाकर इधर सर्व कर सकते हैं, इधर किचन से आप डायरेक्ट इसको सर्विंग प्रोवाइड करेंगे। किचन के साथ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पाउडर रूम दिया गया है दोस्तों, 8.5 बाय 5 फीट का एक पाउडर रूम रहेगा, 3 फीट का दरवाज़ा हम जो है वॉशरूम में रखने वाले हैं, 3.5 फीट का आपका बेडरूम में रखने वाले हैं। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये आपका बेसिन है, ये आपकी WC है, ये आपका बेथिंग एरिया, इधर देखेंगे यहाँ वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया है आपको। लॉबी से आप देखेंगे आपको लेफ्ट साइड में एक ओपन कटआउट मिलेगा दोस्तों, 12 फीट बाय 17 फीट का ओपन टू स्काई एक स्पेस रहेगा, यहाँ से आप टाउन लेवल पे देखेंगे। सो इधर आपके पास एक ओपन डाइनिंग रहेगी, इधर ग्रीन एरिया रहेगा दोनों ही तरफ, सो काफ़ी आपको क्लोज टू नेचर फील आने वाली है इस लॉबी के अंदर, दोनों ही तरफ से लाइट एंड वेंटिलेशन रहेगी, इधर से ओपन कटआउट है, इधर से आपको वेंटिलेशन रहेगी, सनरेज आएगी आपके पास, साथ ही साथ इधर से भी आपके पास जो है प्रॉपरली लाइट एंड वेंटिलेशन की पॉसिबिलिटी रहेगी। सो ये आपका आगे का पब्लिक एरिया था, इधर देखते हैं। सो जैसे ही एंट्री करेंगे ये आपका डिस्प्ले एरिया है, यहाँ आपके पास रहेगी आपके लेफ्ट एंड स्टेयर केस, ये पैसेज है आपके पास 13.5 बाय 20.5 फीट का एक बड़ा पैसेज है जो कि डिवाइड करेगा आपके प्राइवेट एरिया एंड सेमी प्राइवेट एरिया को। सो यहाँ से देखेंगे 3.5 फीट वाइड आपकी स्टेयर केस है, इस तरीके से क्लॉक वाइज आपकी स्टेयर केस रन करेगी, यहाँ ओपन कटआउट के अंदर आपके पास यहाँ पर आपका जो है ग्लास रहेगा, विंडो रहेगी, ग्लेजिंग रहेगी, सो दैट काफ़ी लाइट एंड वेंटिलेशन आप इस स्टेयर केस कोर के अंदर प्रोवाइड कर पाएँ। स्टेयरकेस के सामने देखेंगे लिफ्ट है, 6 फीट बाय 6 फीट की लिफ्ट रहेगी, यहाँ से आप इसको एक्सेस देंगे इस लिफ्ट को। पीछे देखेंगे तो ये वरेंडा है आपके पास, 15 फीट बाय 8 फीट का वरेंडा रहेगा, दोनों ही तरफ आपको ग्रीन एरिया दिया गया है, इधर देखेंगे तो 14 फीट बाय 6 फीट का ग्रीन एरिया रहेगा, इधर रहेगा 12 फीट बाय 6 फीट का। 2 बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिल रहे हैं दोस्तों, पहले बेडरूम की तरफ चलेंगे, 16 बाय 12 फीट का एक बेडरूम है, इस तरीके से आप बेडिंग करेंगे, सामने टीवी यूनिट है, इधर आपके पास एक वर्क स्टेशन लगाने की जगह रहेगी, बेड के पीछे आपको एक एनक्लोज दीवार मिलेगी, इधर आप आपकी विंडो प्रोवाइड करेंगे, जो आपकी दीवार है 8 फीट तक अपनी दीवार रखेंगे, उसके बाद जो विंडोज़ हैं इन दोनों को आप मिला देंगे, सो सी शेप की आपकी जो है आपको
इधर जो ओपनिंग दिखने वाली है, ग्लास दिखने वाला है, सी शेप में दिखने वाला है। अटैच ड्रेसिंग एंड बाथरूम मिलेगा आपको ओपनिंग के थ्रू। आप इस ड्रेसिंग के अंदर एंट्री करेंगे, 8 फीट बाय 8 फीट का इसका साइज़ है। इधर वार्डरोब रहेगी, ये ड्रेसिंग एरिया है दोस्तों। यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने बाथरूम के अंदर। सो 8 फीट बाय 18.5 फीट का आपको बाथरूम मिलेगा। दरवाजे से आप एंट्री करेंगे, दरवाजे के पीछे आपकी WC रहेगी, दरवाजे के सामने इधर आपका रहेगा वॉश बेसिन एरिया। ये आपका बेदिंग एरिया रहेगा दोस्तों। यहाँ से आप इसको एक्सेस करने वाले हैं। 2 स्टेप्स के बाद पीछे आपको दिया गया है एक आपका बाथटब वेंटिलेशन के लिए। इधर आपके पास एक वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया है। सो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम था। सेकंड बेडरूम की तरफ चलेंगे। 16 बाय 12 का टिपिकली बेडरूम आपको मिलेगा। इस तरीके से आप बेडिंग करने वाले हैं। सामने यहाँ टीवी पैनलिंग रहेगी। इधर आपके पास बेड के सामने एक छोटा सोफा रहेगा। ये वर्क स्टेशन, ये आपकी अलमीरा रहेगी दोस्तों। ये आपका कंसोल है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने ड्रेसिंग एरिया के अंदर। सो 5 फीट बाय 8 फीट का ड्रेसिंग है। ये आपके वार्डरोब है। इधर आपके पास ड्रेसर रहेगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने बाथरूम में। सो 8 फीट बाय 8 फीट का बाथरूम है। दरवाजे के पीछे आपका WC रहेगा, दरवाजे के साथ में आपका वॉश बेसिन रहेगा, एंड ये आपका बेडिंग एरिया रहेगा वेंटिलेशन के लिए। इधर वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया है। सो ये आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान था। पोर्च से आप देखेंगे आपका एक और एंट्री दी गई है। ये है आपका सर्वेंट रूम। सो इधर से आप एक्सेस करेंगे। ये आपका कॉमन बाथरूम रहेगा सर्वेंट के लिए। 4.5 बाय 5 फीट का एक कॉमन बाथरूम है। एंट्री करेंगे तो यहाँ पर वॉश बेसिन है, ये WC है। दरवाज़ा बंद करके यहाँ टैप्स आप लगवा देंगे। सो इधर आप अपनी बेडिंग जो यूज़फुल चीज़ हैं वो कर पाएंगे। एक्सेस करेंगे आपके सर्वेंट रूम में। सो लेआउट देखते हैं। 8 फीट बाय 10.5 फीट का सर्वेंट रूम है। इस तरीके से आप बेडिंग प्रोवाइड करेंगे उसको। ये आपके पास वार्डरोब रहेगी, एंड ये आपका किचन काउंटर रहेगा एक छोटा सा सर्वेंट के लिए। इधर देखेंगे तो वॉशिंग एरिया है। 4 फीट 3 इंच वाइड ही आपके पास वॉशिंग एरिया रहेगा, जहाँ से इधर आप इसको एनक्लोज कर देंगे। चाहे तो इसको ओपनेबल प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट यहाँ से वो एक्सेस कर पाए, इधर वो कुछ यूटिलिटी एरिया प्रोवाइड कर सके। ये इसके पास विंडो रहेगी, यहाँ पर आप डायरेक्ट कूलर दे सकते हैं, सो डायरेक्ट उसको हवा प्रोवाइड कर पाएंगे। सो आइए स्टेयरकेस यूज़ करेंगे और चलेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ दोस्तों। सो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर प्लान पे हम आ गए हैं। ये आपका पैसेज है, कॉमन पैसेज है, 7.5 बाय 13.5 फीट का कॉमन पैसेज है। सो अगर आप लिफ्ट यूज़ करते हैं या स्टेयरकेस यूज़ करते हैं, दोनों ही सूरतों में आप इधर एक्सेस करने वाले हैं। यहाँ से आप डाउन जाएंगे अपने ग्राउंड फ्लोर की तरफ। अगर आपको टेरेस पर जाना है तो यहाँ से आप अब चल सकते हैं अपने टेरेस फ्लोर के लिए। सबसे पहले हम नीचे देखेंगे दोस्तों। सो ये आपका लॉबी एरिया है। 24 फीट 3 इंच बाय 14 फीट 3 इंच का ये लॉबी है। सेंट्रली लोकेटेड ये लॉबी रहेगी। यहाँ पर आपकी मेन एंट्रेंस थी घर की। यहाँ पर हमने ये जो एरिया है ये फॉयर एरिया रखा है, डबल हाइट एरिया रखा है। सो 6 फीट का एरिया कटआउट रहेगा। इधर आपको डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। ग्राउंड फ्लोर से ही डबल हाइट एरिया तक आप इसमें कुछ डिस्प्ले कर सकते हैं। सो इस तरीके से सोफा सेटिंग करेंगे। यहाँ पर आप सामने अपनी टीवी पैनलिंग कर सकते हैं। एक छोटा सा आप यहाँ पे वर्क स्टेशन लगा सकते हैं। इधर हमारे पास रहेगी एक विंडो। सो नीचे देखेंगे पाउडर रूम के साथ में आपका रहेगा पाउडर रूम। 8.5 बाय 5 फीट का पाउडर रूम है, एज सेम एज ग्राउंड फ्लोर। नीचे देखेंगे ये ओपनिंग के थ्रू आप एंट्री करेंगे किचन एंड डाइनिंग एरिया के अंदर। किचन और ड्राइंग रूम को हमने मर्ज करके आपका किचन एंड डाइनिंग एरिया बना दिया है। साथ में आपको प्रोवाइड किया है आपका बैल्कनी एरिया। किचन के लिए देखेंगे तो ये आपकी स्लैब रहेगी, ये सिंक है, यहाँ गैस स्टोव है। इधर आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यानी रेफ्रिजरेटर वगैरह रहेंगे। ये क्रोकरी यूनिट रहेगी। इधर आपके डाइनिंग एरिया रहेगा। ये आपकी ओपनेबल विंडो रहेगी, ये आपकी स्लाइडिंग विंडो रहेगी। स्लाइडिंग विंडो के थ्रू आप एक्सेस करेंगे अपने ओपन टेरेस पे। सो 10 फीट बाय 18 फीट का एक बड़ी बैल्कनी ओपन टेरेस आपको प्रोवाइड किया गया है आपके ड्राइंग रूम के ऊपर। ये देखेंगे ये ओपन कटआउट एरिया है, ये आपका जो है फायर एरिया है। इधर देखेंगे तो आप इधर कुछ अपनी कैनोपी वगैरह बना सकते हैं इस एरिया को फॉर सम शेडेड पर्पसेस। आप इसको एज एन शेडिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं कुछ अपनी कैनोपी प्रोवाइड करके। थर्ड बेडरूम की तरफ चलेंगे दोस्तों। आप यहाँ से एक्सेस दिया है हमने आपको बेडरूम का। बेडरूम के पीछे इधर आपके पास एक स्टोरेज एरिया रहेगी। यहाँ इस तरीके से आप सोफा सेटिंग कर पाएंगे। इस तरीके से बेडिंग दी है। ये आपके पास नीचे वाली विंडो है। ये आपके पास एक बड़ी ग्लेजिंग मिलेगी आपको। आप चाहें तो इधर आपको एक बैल्कनी अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप इधर अपनी बैल्कनी प्रोवाइड कर सकते हैं। इधर वर्क स्टेशन दिया गया है। ओपनिंग के थ्रू आप ड्रेसिंग में आएंगे। 8 फीट बाय 8 फीट का ड्रेसिंग है, एंड 8 बाय 12.5 फीट का आपका बाथरूम है, एज सेम एज ग्राउंड फ्लोर। आपके फोर्थ बेडरूम की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ से आप एक्सेस करेंगे। इस तरीके से बेडिंग दी है। सामने आपके पास यहाँ स्लाइडिंग विंडो रहेगी। इधर एक कंसोल है, इधर वार्डरोब है आपके पास। टॉयलेट एंड ड्रेसिंग का लेआउट इसके अंदर आपके पास थोड़ा डिफरेंट रहेगा। यहाँ से आप एक्सेस करेंगे अपने ड्रेसिंग में। 8 फीट बाय 6.5 फीट का ड्रेसिंग एरिया है। यहाँ पे वार्डरोब दी गई है, यह ड्रेसर एरिया है। इधर से आप एक्सेस करेंगे आपके बाथरूम के अंदर। सो 9 फीट बाय 6.5 फीट का बाथरूम का साइज मिलेगा आपको। दरवाजे के पीछे आपकी WC रहेगी, ये आपका वॉश बेसिन रहेगा, ये आपका बेडिंग एरिया रहेगा। नीचे देखेंगे तो बैल्कनी है आपके पास। 14 फीट बाय 8.5 फीट की बैल्कनी रहेगी। यहाँ से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। सो ये हमारा आज का प्लान था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं प्लान कैसा लगा। आइए चलेंगे इसके वॉक थ्रू की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे इसका एलिवेशन। सो ये इसका एलिवेशन है दोस्तों, ये एंट्री है। यहाँ से आपका ओपन कटआउट रहेगा, ये आपके पास ड्राइंग रूम की डेड वॉल है, ये आपको किचन की और बेडरूम की वॉल दिख रही है, और ये आपकी कैनोपी रहेगी ऊपर जो है, प्रोजेक्शन रहेगी फॉर सम शेडिंग पर्पसेस। ये देखिए ये आपका जो है लैंडस्केप एरिया है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपका ये 7 फीट वाइड पैसेज है, इधर से आप एक्सेस करेंगे। इधर कुछ आप अपना प्लांटेशन या ओपन जिम वगैरह कुछ प्लांट कर सकते हैं। इस तरीके से आप टाइल या पत्थर के अंदर अपनी क्लैडिंग करवाएं, ऊपर आपको ग्रीन वॉल बना सकते हैं इसको। ये देखेंगे आपकी साथ में दिखेगी आपकी ग्रीन एरिया में प्लांटर्स हैं। ये आपका ओपन जो कोर्ट हमने आपको डिज़ाइन करके दिया है वो है। सेंट्रली आपका एक प्लांट, इसके अंदर एक ट्री प्लांट आप कर पाएंगे। ये सीधा रास्ता चला जाता है आपके जो है सर्वेंट एरिया की तरफ। ये डबल हाइट एरिया में आपका फॉयर है, मेन एंट्रेंस है आपकी। इस तरीके से आप कुछ जाली यूज़ कर पाएंगे। ये आपके पास ओपन टेरेस है 10 फीट बाय 18 फीट का, उसके ऊपर जो कवर्ड एरिया रहेगा वो जाली के थ्रू रहेगा। ये इस ओपन टेरेस से आप अगर नीचे देख रहे हैं तो कैसा व्यू मिलेगा आपको, उसका एक इमेज है। ये देखिए ये आपके घर की गेस्ट एंट्री है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। ये किचन की एंट्री रहेगी, ऊपर आपका बेडरूम दिया गया है, किचन और डाइनिंग एरिया है, माफ़ कीजिए, ऊपर आपका। ये आपका ओपन टेरेस रहेगा इस तरफ से। सो इस तरीके से देखेंगे राइट साइड में जो आपकी बाउंड्री वॉल है जाली के साथ में, जाली का कॉम्बिनेशन इस तरीके से आप डेड वॉल के थ्रू कंबाइन कर सकते हैं। सो गाइज़ ये हमारा आज का डिज़ाइन था 60 फिट बाय 90 फिट के अंदर। सो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं डिज़ाइन आपको कैसा लगा। आपका अपना कोई मकान है, अपना कोई डिज़ाइन बनवाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।